तो ये देखो गाइस, मोनी को ऐसे करके ही आ रही थी, पर इसके ना जब स्कूल से निकल रही थी तो इसको ऐसे ही करके लगाया था मैडम ने, इसको ना दिख नहीं रहा था। इसकी खुशी देखो, सही है ये देखो। गोलू भी देख रहा, देखा गोलू को देख। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग ज्योति बिजवाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, अभी बज गए हैं रात के 8। तो मैंने सोचा, सुबह से सोची दी थी ब्लॉग बनाने की पर हो नहीं पाया, तो चलो कोई बात नहीं, अभी वीडियो शूट कर रही हूँ ब्लॉग। तो आज गणेश चतुर्थी है, आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की, और मेरी ओर से विथ फैमिली आप सभी लोगों को। गिरा दी उसने, अभी रुक जाओ। ये देखो, यहाँ पर मोनी गोलू की कंप्लेंट लेकर आई है कि गोलू ने सारे चिप्स गिरा दिए हैं। तो ये देखिए, ये देखो इसको, तो मोनी ट्यूशन से आ गई है। मोनी के यहाँ पे चीटी ने काट दिया है गाइस, दिखाओ ये दिखाओ, ये देखो इतना बड़ा हो गया इसका। तो इसमें दांत मत लगाना और वो हो जा रहा है, ये बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रखे रहो, ठीक है? चीटी ने काट दिया इसके यहाँ पे ना, और इतना मोटा सा हो गया है। दिखाओ अच्छे से, दिखाओ इसने सारे चिप्स गिरा दिए यहाँ पे। और आज मोनी स्कूल में, मोनी से, मोनी तुम्हें स्कूल से ये मिला ना, तुम पहन के दिखाओ। तो ये देखो गाइस, मोनी को ऐसे करके ही आ रही थी, पर इसके ना जब स्कूल से निकल रही थी तो इसको ऐसे ही करके लगाया था मैडम ने, इसको ना दिख नहीं रहा था। इसकी खुशी देखो, सही है ये देखो। गोलू भी देख रहा, देखा गोलू को देख, गोलू को देखो। अरे अब देखो, अब देखो एक बार यहाँ को देखो। तो गाइस, बीच में ना मैं गांव गई थी 2 दिन के लिए, अब मैं आ गई हूँ। और आज तो, आज क्या बार है, आज मंगलवार है। तो गाइस आज ना लोग तो आ गणेश जी को अपने घर लाते हैं, 11 दिन तक का रखते हैं। तो मैंने ना, हमारे घर के गणेश जी हैं, हम इनको यहीं रखे रहेंगे, ऐसे विसर्जन जो होता है वो नहीं करेंगे। तो गाइस, मंदिर यहाँ पे ऊपर से गणेश भगवान जी रखे थे, वही वाले भगवान जी मैंने ये नीचे मंदिर पे रख दिए हैं, ये देखिए। ये गाइस, ये जो मंदिर है हमारा, ये हमारे पुराने घर में था, तो इसको लेकर आ गए हैं, वहाँ नया मंदिर ले लिया, तो इसीलिए तो ये ले आए हैं। वहाँ भी पड़ा पड़ा ऐसे ही हो रहा था, तो ये ले आए। हाँ, भगवान जी रखे हुए हैं, गणेश भगवान जी हैं वो। हाँ ये देखिए, मत करो। चलो तो गाइस, जो ये मंदिर है ना, वो हमारे पुराने वाले घर पे रखा हुआ था, और वहाँ उन्होंने नया मंदिर ले लिया है, तो इसके पापा ले आए हैं यहाँ। तो वहाँ भी खाली पड़ा पड़ा था, तो हमने सोचा हम यूज़ कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो देखेंगे जो भी होगा आगे, पर अभी तक का तो मैं ही यूज़ कर रही हूँ इस मंदिर को। और अभी खाना बनाने की तैयारी हो रही है, पूजा पाठ हो गई है। और एक चीज़ लेकर आई हूँ मैं गांव से, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। चलो दिखा लेती हूँ, मैंने वो चीज़ निकाल दी है जो मैं हल्द्वानी से लेकर आई हूँ, मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो गाइस, ये है वो चीज़, इस बार ये वाला मॉडल चला हुआ है हल्द्वानी पे। और एक ये भी लेकर आई हूँ मैं, इसका जो प्राइस है ये मुझे पड़ा 100 रुपीज़ का, 100 का, हाँ शायद 100 का, ये 100 का है, ये 200 का, ये वैसे 300 का था, पर उसने कुछ कंफ्यूजन हुआ तो इसलिए 200 का ही दे दिया। हमने कहा जो आपने पहले प्राइस बोले थे उसी रेट, उसी प्राइस में हम लेंगे, तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं। तो ये देखिए गाइस, जो पहनने के बाद इसका लुक आ रहा है वो ये है, ये देखिए मॉडल इसका जो है ना,
जब साड़ी वाड़ी पहनेंगे ना उसमें बहुत प्यारा लगेगा ये। तो गाइस मैंने बना लिया है खाना। तो गाइस मैंने बनाई है आलू गोभी की सब्जी और ये चटनी है टमाटर प्याज धनिया की, और ये रोटी रखी हुई है। अब मैं देने जा रही हूँ इनको, यहाँ पर रोटी भी जल रही है ये। तो गाइस खाना खा लिया है, अब हम आ गए हैं सोने के लिए। मैं बाहर, बच्चे बाहर घूम के भी आ गए रात को वॉक करके। तो ये देखिए यहाँ पर गोलू सोया हुआ है। मोनी को खुजली लग रही थी तो मोनी को हम कंघी से खुदला रहे थे, इसकी पीठ में ना खुजली लग रही थी तो गोलू ने कंघी पकड़ी हुई है इसीलिए। तो गाइस व्लॉग को ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, कैसा लगा आप लोग को? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, बाय बाय।